गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दोस्तों नमस्ते। तो डिटरमिनेंट्स के हम 11th पार्ट में बात करते हैं एवरी वर्सेस ईच की। एवरी और ईच दोनों का यूज़ हम पढ़ेंगे, दोनों के यूज़ में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है। दोनों काफ़ी हद तक एक जैसे लगते हैं। ईच और एवरी का मतलब होता है प्रत्येक या हर एक। ईच और एवरी का मतलब होता है प्रत्येक या हर एक। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है समझने की कि जो ईच और एवरी है, बच्चों ध्यान से सुनना समझना, जो ईच और एवरी है उसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है ना, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ ईच और एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन लगेगा। कैसा नाउन लगेगा? सिंगुलर, एक वचन की संज्ञा लगती है हमेशा ईच और एवरी के साथ। प्लूरल नाउन का यूज कभी नहीं होगा। यानी आप ये बोलोगे ईच पर्सन, आप बोलोगे ईच बॉय, आप बोलोगे एवरी मंथ, आप बोलोगे एवरी बॉय, आप बोलोगे एवरी गर्ल, आप बोलोगे ईच टीम, मतलब सिंगुलर हैं सारी। पर्सन सिंगुलर, बॉय टीम, है ना, है ना, एवरी मंथ बॉय, सारे सिंगुलर यूज़ होंगे। आप प्लूरल यूज़ नहीं कर सकते, आप ये नहीं बोल सकते कि ईच बॉयज़, ये गलत है, क्योंकि वर्ब ही सिंगुलर यूज होगी, सॉरी नाउन, और फिर आगे वर्ब भी सिंगुलर यूज होती है, ये बात आगे की है, है ना। आप ये बोलोगे ईच गर्ल्स नहीं बोल सकते आप, ये गलत है, एवरी गर्ल्स नहीं बोल सकते आप, सिंगुलर नाउन यूज होगी। ध्यान देने की बात ये है। तो ये बेसिक बात है ईच और एवरी के रेफरेंस में, क्या है कि ईच और एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन यूज होगा। कैसा नाउन यूज होगा? सिंगुलर नाउन यूज होगा, बेसिक बात है। और आगे वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी उनके साथ। ये तो थोड़ी वर्ब के बारे में बात हो गई। अब चलते हैं एवरी और ईच का जो डिफरेंस है, स्लाइटेस्ट, थोड़ा सा हल्का सा मामूली सा जो डिफरेंस है वो क्या है, उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। एवरी और ईच का यूज देखिए, पहला जो डिफरेंस है दोनों में वो ये है कि एवरी का यूज हम एक ग्रुप, मतलब एक ग्रुप में हो, कोई चीज ग्रुप में हो, जैसे मान लो ये कोई चीज है, ये पूरी एक यूनिट में हो, पूरी एक यूनिट में हो, तो आप एवरी का यूज करोगे। एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स और पीपल, लोगों का हो चाहे वस्तुओं का एक ग्रुप हो, एक यूनिट में हो, तो आप किसका यूज करोगे? एवरी का यूज करोगे। और ईच का यूज इंडिविजुअली होता है, इंडिविजुअली, एन इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट और पर्सन, मतलब सेपरेटली, ये सेपरेशन दिखाता है, अलग अलग होना दिखाता है ईच का यूज। जैसे ये प्लस ये अलग अलग कर दिए मैंने, प्लस से अलग अलग कर दिए, ये अलग अलग हैं सेपरेट, और अगर ये एक साथ हैं तो ये क्या है? एवरी हैं। और आप इनको अलग अलग दिखा रहे हो, इंडिविजुअली दिखा रहे हो, सेपरेटली दिखा रहे हो, तो ये ईच की तरह यूज होगा। जैसे देखिए, है ना, एग्जांपल दिखाता हूँ मैं तुम्हें। जैसे मैं कहूँ स्टडी सेंटेंस, सेंटेंस आएगा केयरफुली, और यहां लिख रहा हूं सेंटेंस हैज ए वर्ब, एग्जाम्पल है ये, देखिए। अब आप गौर कीजिए कि डिफरेंस क्या है। सेंटेंस हैज ए वर्ब, प्रत्येक सेंटेंस में एक वर्ब होती है, क्रिया होती है, प्रत्येक, क्या अर्थ, स्टडी
सेंटेंस केयरफुली, प्रत्येक सेंटेंस का सावधानी से अध्ययन कीजिए, स्टडी कीजिए। अर्थ वो ये दोनों का, प्रत्येक ईच का और एवरी का। अब डिफरेंस देखिए क्या है, सेंटेंस हैज ए वर्ब। अब जितने भी सेंटेंसेज हैं सबकी एक साथ बात हो रही है, सबकी जितने भी सेंटेंसेज हैं सबकी एक बार में बात की जा रही है, अलग अलग किसी पर्टिकुलर सेंटेंस की बात नहीं कर रहे आप। सारे सेंटेंसेज हैं जितने भी हैं आप पढ़ते हो, उन सब में वर्ब होती है, सारे सेंटेंसेज में वर्ब होती है, ये आप जानते हो। बिना सेंटेंस, बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं बनता। तो आप सब सेंटेंसेज की बात कर रहे हो, पूरे एक यूनिट में बात कर रहे हो सबकी, तो एक यूनिट में बात होगी तो क्या होगा, एवरी। ये बहुत बारीक डिफरेंस है। अब यहां पर कई सारे सेंटेंसेज लिखे हुए, जैसे ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो अब आप सबको अलग अलग पढ़ोगे। पहले इसको पढ़ा, फिर इसको पढ़ा, फिर इसको पढ़ा, फिर इसको पढ़ा, तो आप अलग अलग पढ़ रहे हो, सेपरेटली पढ़ रहे हो आप सबको। तो अलग अलग के लिए क्या लगाओगे आप, ईच लगाओगे, स्टडी ईच सेंटेंसेस। क्या आएगा, स्टडी ईच सेंटेंसेस। तो एवरी सेंटेंस हैज ए वर्ब, यहां एवरी लगाया क्योंकि आप पूरे एक साथ बात कर रहे हो, यहां आपने ईच लगाया क्योंकि आप सेपरेटली अलग 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 वाक्य की बात कर रहे हो, है ना। और देखिए एक और एग्जांपल देखिए, आप कहते हो इज चाइल्ड इज परफॉर्मिंग ए डिफरेंट टास्क, इज परफॉर्मिंग द सेम टास्क। और वापस इसी एग्जांपल को लिखते हैं, चाइल्ड इज परफॉर्मिंग ए डिफरेंट टास्क, टास्क का मतलब कार्य है। हिंदी अर्थ ये हुआ कि प्रत्येक बच्चा परफॉर्म कर रहा है द सेम टास्क, माने उसी कार्य को, उसी कार्य को एक जैसा ही कार्य सारे बच्चे कर रहे हैं, तो पूरे एक ग्रुप में हो गए, एक जैसा ही कार्य कर रहे हैं वो सारे। मान लो सारे ही बच्चे पेंटिंग कर रहे हैं, क्लास में 50 बच्चे हैं और वो 50 के 50 पेंटिंग कर रहे हैं, चित्रकारी कर रहे हैं वो, तो वो एक ग्रुप में हो गए पूरे। तो एज ए यूनिट, एज ए होल आप बात कर रहे हो तो एवरी यूज होगा, एवरी चाइल्ड, प्रत्येक बच्चा इज परफॉर्मिंग द सेम टास्क। अब आप कह रहे हो कि प्रत्येक बच्चा एक अलग कार्य कर रहा है, कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई रीडिंग कर रहा है, कोई राइटिंग कर रहा है ना, कोई क्या कर रहा है, कोई खेल रहा है, अलग अलग काम कर रहे हैं क्लास में बच्चे, तो आप प्रत्येक पर इंडिविजुअली आप बात कर रहे हो, सेपरेटली बात कर रहे हो आप, तो आपने क्या लगाया, ईच लगाया। तो थोड़ा डिफिकल्ट है, बड़ा स्मॉल सा डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। वैसे 9th स्टैंडर्ड में तो काम आएगा नहीं, 9th क्लास में, 11th में आ सकता है, बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है ना, बहुत हल्का सा डिफरेंस होता है। ये तो इसका पहला डिफरेंस था, अब बात करते हैं हम इसके दूसरे डिफरेंस की, ठीक है। देखिए इसका दूसरा डिफरेंस है, उसके बारे में हम बात करेंगे, क्या है। देखिए दो के लिए आप ईच का यूज करोगे, कितनों के लिए, दो के लिए, फॉर टू थिंग्स या पीपल, दो के लिए, और दो से ज्यादा के लिए एवरी का यूज करोगे। सिर्फ दो हैं तो आप यूज करोगे ईच का, और दो से ज्यादा हैं तो आप यूज करोगे एवरी का, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल देखिए, जैसे आप कह रहे हो आई हैव रेड, मैं पढ़ चुका हूं बुक, हर पुस्तक को, प्रत्येक पुस्तक को इन द लाइब्रेरी, पुस्तकालय में। अब पुस्तकालय में जितनी भी किताबें हैं उनको पढ़ चुके हो आप,
तो आप पूरे बहुत बड़ी संख्या की बात कर रहे हो। यानी सीधी सी भाषा में एक और बात कहूं तो बड़ी संख्या के लिए, बड़ी मात्रा के लिए, लार्ज नंबर्स के लिए आप यूज करोगे एवरी, और ईच यूज करोगे आप स्मॉल नंबर्स के लिए, छोटी संख्याओं के लिए आप यूज करोगे ईच। ये और डिफरेंस एक और। तो मैं पुस्तकालय में प्रत्येक पुस्तक को पढ़ चुका हूँ, पता नहीं कितनी सारी पुस्तकें आप लगभग सबको पढ़ चुके हो, आपने सबको पढ़ लिया, तो एवरी बुक आएगा, एवरी बुक। और देखिए, आई हैव विजिटेड, मैं घूम चुका हूँ एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड, संसार में प्रत्येक देश को। अब बहुत सारे देश हैं, लगभग 200, 205, 208, 209 कितने देश हैं, लगभग 200 के करीब देश हैं। तो आप लगभग सबको घूम चुके हो, तो बहुत बड़ी मात्रा में आप बात कर रहे हो, तो आप क्या लगाओगे, एवरी कंट्री। तो ज्यादा के लिए आप एवरी का यूज करोगे, ज्यादा के लिए आप किसका यूज करोगे, एवरी के, एवरी का। और दो के लिए आप सिर्फ दो की बात कर रहे हो, जैसे इन ए फुटबॉल मैच, ईच टीम, अब दो की बात हो रही है, एवरी टीम नहीं कह सकते आप, ईच टीम हैज 11 प्लेयर्स, प्रत्येक टीम के पास 11 खिलाड़ी होते हैं, क्योंकि आप सिर्फ दो की बात कर रहे हो, दो टीमों की, ज्यादा की नहीं, ठीक है ना। अगर दो से ज्यादा की बात करते आप, बहुत बड़ी संख्या में होता, तो आप एवरी लगाते। तो ज्यादा के लिए एवरी, कम के लिए ईच, एक डिफरेंस ये है। और एक और यूज है एवरी का, सिर्फ एवरी का है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं, सिर्फ एवरी का है। तीसरा है बारंबारता के लिए, कि कोई चीज कितनी बार होती है, बारंबारता के लिए आप हाउ ऑफन समथिंग हैपन्स, अंग्रेजी में बोलेंगे हाउ ऑफन समथिंग हैपन्स, कोई चीज कितनी बार होती है उसके लिए, बारंबारता के लिए, जैसे प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक साल, प्रत्येक 4 साल में, प्रत्येक 2 साल में, प्रत्येक 2 महीने में, तो आप फिर एवरी लगाओगे, ईच नहीं लगाओगे। जैसे कि आप बोलोगे, जैसे कि मैं इधर लिख रहा हूँ, नीचे दिखाई नहीं देगा, जैसे कि आप बोलोगे कि मैं प्रत्येक संडे को क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट, अब आप बता रहे हो बारंबारता, आई प्ले क्रिकेट एवरी संडे, ईच संडे नहीं कह सकते आप, एवरी संडे, ये बनेगा। अगला एग्जांपल देखिए आप, और जैसे आप कहते हो कि मैं प्रत्येक साल हमारा जो स्कूल है, प्रत्येक साल को एनुअल फंक्शन मनाता है, आवर स्कूल सेलिब्रेट्स एनुअल फंक्शन, या इट्स एनुअल फंक्शन, एवरी ईयर, प्रत्येक साल, तो एवरी ईयर आएगा, ईच ईयर नहीं आएगा, ये ध्यान देने की बात है। कोई चीज कितनी बार होती है, जैसे आप कहो कि ओलंपिक के खेल, वर्ल्ड कप क्रिकेट का फुट, जो सॉरी वर्ल्ड कप क्रिकेट होता है, वो प्रत्येक 4 साल में आयोजित किया जाता है, इन एवरी 4 ईयर, ऐसे आएगा, है ना। तो देखो, कहने का मतलब एवरी का यूज बारंबारता के लिए किया जाता है, कि कोई चीज कितनी बार होती है, ईच का कभी भी नहीं होगा उसके लिए। इसी के साथ धन्यवाद।